कोरोना के बीच साल 2020 में वैज्ञानिकों ने पाया था कि पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की रफ्तार सामान्य से ज्यादा हो गई है। पृथ्वी के तेज गति से घूमने की रफ्तार इस साल के पहले 6 महीने तक जारी रही। हालांकि अब धरती की रफ्तार में एक बार फिर से बदलाव देखा गया है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर सामान्य से धीमा घूम रही है। पृथ्वी के इस रफ्तार परिवर्तन से दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान हैं। एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक औसतन पृथ्वी अपनी धुरी पर अपना एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे या फिर 86,400 सेकंड लेती है। व्यवहार में हर चक्कर में लगने वाले समय में कुछ अंतर रहता है। समय के साथ यह अंतर कुछ सेकंड में बदल जाता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक परमाणु घड़ी की मदद से समय पर पूरी नजर रखते हैं, जो वैश्विक स्तर पर समय को निर्धारित करने में सहायता करती है। प्रत्येक 18 महीने में एक लीप सेकंड को जोड़ा गया है। परमाणु घड़ी एकदम सटीक समय बताती है। इससे पृथ्वी की रफ्तार में आने वाले बदलाव का भी पता चल जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक अंतर को बराबर करने के लिए लीप सेकंड जोड़ते या घटाते हैं। इससे पहले कभी नेगेटिव लीप सेकंड को समय में जोड़ा नहीं गया है, लेकिन 1970 से अब तक 27 बार एक सेकंड को बढ़ाया जरूर गया है। जब धरती ने 24 घंटे से ज्यादा का वक्त एक चक्कर पूरा करने में लगाया हो, हालांकि पिछले कुछ सालों में उसे कम वक्त लग रहा है। 1960 के बाद से ऑटोमिक घड़ियां दिन की लंबाई का सटीक रिकॉर्ड रखती आई हैं। इस तरह के प्रत्येक 18 महीने में एक लीप सेकंड को जोड़ा गया है। इनके मुताबिक 50 साल में धरती ने अपने एक्सिस पर घूमने में 24 घंटे से कम 86,400 सेकंड का वक्त लगाया है। हालांकि 2020 के बीच में यह पलट गया और एक दिन पूरा होने में 86,400 सेकंड से कम वक्त लगा। जुलाई 2020 में दिन 24 घंटे से 1.4602 मिली सेकंड छोटा था। अब तक का है सबसे छोटा दिन था, जो वर्ष 2020 में औसतन हर सेकंड 0.5 सेकंड पहले खत्म हो गया। धरती पर क्या होगा बदलाव का असर? समय में हो रहे इस बदलाव के बड़े स्तर पर कई असर हो सकते हैं। सैटेलाइट और संपर्क उपकरण सोलर टाइम के हिसाब से काम करते हैं, जो तारों, चांद और सूरज की स्थिति पर निर्भर होता है। इसे बरकरार रखने के लिए पेरिस की इंटरनेशनल अर्थ रोटेशन सर्विस पहले लीप सेकंड जोड़ती रहती थी। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती के घूमने की रफ्तार कम होने से बड़े भूकंप आ सकते हैं। नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के सोलर सिस्टम के एम्बेसडर मैथ्यू फुंके के मुताबिक चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर एक ज्वारीय उभार बनाता है। यह उभार भी धरती की घूर्णन गति से घूमने का प्रयास करता है। नतीजतन धरती की अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। वैज्ञानिकों का मत है कि धरती की घूर्णन गति या अपनी धुरी पर घूमने की गति सुस्त पड़ने से भूकंपीय घटनाएं बढ़ जाती हैं। हालांकि ऐसा क्यों होता है, वैज्ञानिक अभी भी इन वजहों का खुलासा नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।